Ariye ri ali piyabina Ariye ri ali piyabina Sakhi kalna parat mohe ghari balay chin dine ri ali piyabina Namaskar, मैं शिवेंद्र कुमार सिंह आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार पंडित विश्व मोहन भट्ट की। यूं तो हर कलाकार अपने जीवन में अलग अलग तरह के प्रयोग करता है, लेकिन पंडित जी ने अपने बचपन में एक अनोखा प्रयोग किया। बचपन में हम सब स्कूल जाते हैं, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूं, लेकिन पंडित विश्व मोहन भट्ट ने तय किया कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह थी कि जब वो शुरुआती दिनों में स्कूल गए और 6 घंटे स्कूल में रहे तो उन्हें लगा कि 6 घंटे स्कूल में बिताना समय की बर्बादी है। उन्होंने तय किया कि वो सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी करने वाले उस विश्व मोहन भट्ट की कहानी आज दुनिया में एक बेहतरीन, एक सम्मानित कलाकार के तौर पर हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते हैं। मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ घर पे, मुझे कॉन्फिडेंस था। और मेरे फादर मदर ने भी फिर जब मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर पे ट्यूटर लगा देंगे। फिर मैं एग्ज़ाम में अपियर होता गया, फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर आता रहा मेरा। और इस तरह से पूरा कॉलेज तक भी मैं मतलब मेरा वो प्राइवेट किया मैंने। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 को हुआ था। पिता मनमोहन भट्ट जाने माने गायक थे, माँ चंद्रकला भट्ट भी जयपुर घराने की गायिका थीं, बड़े भाई शशि मोहन भट्ट, महेंद्र भट्ट और रवि मोहन भट्ट भी संगीत से ही जुड़े हुए थे, बहन मंजू भट्ट भी सितार वादक हैं, यानी घर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ संगीत का माहौल था। पंडित विश्व मोहन भट्ट की तालीम की शुरुआत भी शास्त्रीय गायकी से हुई और वो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि माँ गायक, पिता गायक और दोनों लोग जब रियाज करने के लिए बैठते थे, हारमोनियम होता था, तानपुरा होता था, तबला होता था, तो उसके साथ साथ छोटे बच्चे में भी स्वरों का फूटना स्वाभाविक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट की उम्र तब करीब 13 साल थी। एक रोज उन्होंने तय किया कि वो शास्त्रीय गायकी को छोड़ देंगे और सितार बजाना सीखेंगे। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि जो बड़े भाई थे उनके, वो पहले से ही सितार बजाना सीख रहे थे। तो उस परिवार में जो एक बड़ा बदलाव आया वो ये आया कि माँ गायक, पिता गायक, लेकिन अगली पीढ़ी में किसी ने भी गायकी को नहीं चुना। बड़ी बात ये भी थी कि उनके पिता ने इस बात के लिए पंडित विश्व मोहन भट्ट पर कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सितार बजाना है तो सितार ही बजाओ, लेकिन उसे भी दिल से बजाओ, उसकी भी साधना करो। क्या हुआ कि मेरा जो रुझान जो देख लिया उन्होंने कि ये इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा फोर्स करना बंद नहीं, मतलब फोर्स नहीं किया उन्होंने। मोहन वीणा बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक विदेशी महिला पंडित विश्व मोहन भट्ट के पिताजी से गिटार सीखने आई थी। जब वो शिक्षा लेकर वापस जाने लगी तो पंडित जी ने उनसे उनका गिटार ले लिया और उसी गिटार में उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। उसमें तार बदले, उसमें खूंटियां लगाई और बहुत कुछ ऐसा किया कि वो गिटार न रहकर एक दूसरा ही वाद्य यंत्र बन गया जिसे आज दुनिया मोहन वीणा के नाम से जानती है। जैसे होता है कि बचपन में एक्सपेरिमेंट करने लगा उस पर और नए तार लगाए, कुछ खूंटियां वूटियाँ अपनी तरफ से ऐड करी, तार जो उसमें होते हैं वो तार हटा दिए और सितार सरोद के तार जो थे वो उसमें उस तरह से अरेंजमेंट करके लगाना शुरू किया। आज के करीब करीब 50 साल होने को आ रहे हैं तब मैंने शुरुआत की थी और तब इसमें इसका इंडियनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और फिर बाद में तुम्बा लगाया, 20 तार हो गए और फिर इसका नाम मोहन वीणा पड़ गया। वो 80 का साल था जब पूरी दुनिया में भारतीय संगीत को एक बहुत बड़ी, बहुत खास पहचान दिलाने वाले पंडित रविशंकर के पास पंडित विश्व मोहन भट्ट गए। पंडित जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। पंडित रविशंकर ने कहा, क्योंकि तब तक वो जान चुके थे कि पंडित विश्व मोहन भट्ट भी ख्याति पा चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो स्टेज पर पहले से ही परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपको गुरु की जरूरत है क्या? पंडित विश्व मोहन भट्ट की दलील में बहुत दम था। उन्होंने कहा
कि कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके सामने आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप समर्पित होना चाहते हैं, और मैं आपके सामने समर्पित होना चाहता हूं। इसके बाद पंडित रविशंकर ने बहुत ही सहजता से गंडा बांधकर पंडित विश्वमोहन भट्ट को अपना शागिर्द बनाया। वो दिसंबर का महीना था जब पंडित विश्वमोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड दिए जाने का ऐलान हुआ। अवार्ड दिए फरवरी में जाते हैं लेकिन उनका ऐलान दिसंबर में हो जाता है। उससे पहले ये अवार्ड माइकल जैक्सन या इस तरह के दूसरे जो विदेशी कलाकार हैं उनको दिए जाते थे। जाहिर है पंडित विश्वमोहन भट्ट जब उस दिन को याद करते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि काश उस रोज पिताजी होते, काश उनके रहते रहते ये सम्मान मिला होता तो उनकी खुशी सातवें आसमान पर होती। सबसे पहली चीज वो होते तो बहुत ही खुश होते जरूर। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पंडित विश्वमोहन भट्ट ने फिल्मी संगीत में भी काम किया है। उन्होंने बवंडर नाम की एक फिल्म में संगीत दिया। इसके अलावा विशाल भारद्वाज और एआर रहमान जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत मजबूत, बहुत ही साधक किस्म के संगीतकार माने जाते हैं, उनके साथ भी पंडित विश्वमोहन भट्ट ने फिल्मी संगीत में काम किया है। पंडित विश्वमोहन भट्ट को 1993 में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। पंडित जी को अमेरिकी कलाकार रॉयलन पीटर कूडर के साथ किए गए एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। उन्होंने कहा कि योर एल्बम इज नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी 93। ओह माय गॉड, वाओ, मैं उछल पड़ा। और मेरी सिस्टर मंजू बहन, नंदन भाई, वो सब एकदम से बहुत खुश हो गए न्यूज़ पढ़ के। और फिर मैंने तुरंत घर कॉल किया, घर में एकदम सब लोग उछल पड़े, मदर को भी बहुत खुशी हो गई। ग्रैमी अवार्ड के अलावा भारत सरकार देश के तीसरे सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित कर चुकी है। लेकिन पंडित जी आज भी अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान अपने श्रोताओं का वो प्यार मानते हैं जो दुनिया भर से उनके लिए आता है, दुनिया भर में उनके ऊपर छिड़का जाता है। पंडित जी की संगीत साधना यूं ही चलती रहे, वो ऐसे ही अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को रागों में, सुरों में भिगोते रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं।